आज के इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही हम सबकी श्रद्धेय उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि उद्भट विद्वान अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आशु रानी जी, कुल सचिव राजेश जी, प्रतिकुल सचिव तनेजा जी, मंच पर आसीन विद्या भारती और अन्य परिषदों के सभी सम्मानित सदस्यगण, सामने बैठे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे केंद्र में राज्य मंत्री रहे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, सभी शिक्षकगण, आंगनवाड़ी के कार्यकर्त्री और बच्चों और सभी विद्यार्थी बंधुओं, सबसे पहले मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज उपाधियां हासिल की हैं और मेडल प्राप्त किए हैं। मेडल प्राप्त कर विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है छात्रों के बीच में ही, और उपाधि प्राप्त करने में भी एक उनको परिश्रम करना पड़ा होगा, लेकिन उनके साथ जिन लोगों का और परिश्रम जुड़ा होता है पर्दे के पीछे से, ऐसे उनके माता पिता, उनके गुरु, उनको भी प्रणाम है और उनको भी सलाम है। उनकी मेहनत और उनके त्याग बलिदान का ही परिणाम है कि आपने ये मुकाम हासिल किया है। मित्रों, ये आगरा विश्वविद्यालय करके जाना जाता था, आगरा ऐतिहासिक शहर है, यहाँ शिवाजी महाराज का वो अध्याय हम सबको ऊर्जा प्रदान करता रहता है। जब छल और कपट से औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मुंह पर तमाचा मारते हुए शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य, अपने साहस, अपने बुद्धि चातुर्य, योजना बनाने की विलक्षण कार्य क्षमता और उसे क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत प्रतिभा का जो परिचय दिया था, ऐसा इतिहास हम सबको, युवाओं को प्रेरित करता रहता है। ऐसे आगरा से आप आए हैं और आपने एक मुकाम हासिल किया है। अब जीवन के नए युग में आप प्रवेश करेंगे, नए जीवन पथ के पाथे में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। मेडल तो आपको मिल गए, लेकिन अब आपको समाज के बीच में मॉडल बनना होगा, जिससे लोग आपसे प्रेरित हो सके और समाज की भी आपको सेवा कर सके। हम किसके लिए आगे काम करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हमारी संस्कृति में व्यष्टि नहीं समष्टि है, व्यक्ति नहीं सृष्टि है। इसलिए आप जो कुछ करें अपने जीवन में नए पथ पे, ऐसा करिए जो देश के लिए, समाज के लिए और सृष्टि के लिए हो। हमारे संस्कारों में भी यही है। मैं दो कविताओं के माध्यम से अपने संस्कार और विदेशी संस्कार आपको बताना चाहूंगा। कविता आपने सुनी होगी, बच्चों को सुनाई पढ़ाई जाती है, रेन रेन गो अवे, कम अगेन एनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले।
यानी जॉनी को खेलने के लिए बरसात जो सबके लिए हितकारी है उसको हटाओ, एक यह संस्कृति है, यह संस्कार है। और एक या मेरे मौला पानी दे गुड़दानी दे, बरसो राम धड़ाके से, चाहे बुढ़िया मर जाए फाके से, चाहे मेरे घर की बुढ़िया फाके से मर जाए, लेकिन इतने जोर से बरसो, पूरी सृष्टि और व्यस्ति के लिए है हमारा सोच संस्कार। ये दो कविताएं दो संस्कृति और दो संस्कारों को बताती है। तो हमें किसके लिए अब आगे काम करना है, यह आपके लिए चुनौती है और आपका कर्तव्य है। अब आपको अपने नए पाथे में जाना है, शिक्षा आपको नए जीवन में ले जा रही है। शिक्षा कोई उपदेश नहीं है, ये एक मार्ग है जो आगे ले जाता है हम सबको। उपदेश देना बहुत आसान है, शिक्षा में उपदेश भी होते हैं। सत्य बोलना चाहिए, कितने लोग बोलते हैं। हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, कितने लोग कर पाते हैं। तो शिक्षा उपदेश बन के ना रह जाए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उपदेश देना मित्रों बहुत सरल है, उससे ज्यादा कठिन होता है उन उपदेशों पर चलना। मैं किसी को उपदेश दे सकता हूं, लेकिन उस पर चल पाता हूं कि नहीं चल पाता हूं, ये उससे कठिन है। और उससे भी अधिक कठिन है कि स्वयं उपदेशों पर चलना और ऐसी टीम लेकर चलना जो उन उपदेशों का अनुपालन करे और एक नया परिवर्तन समाज में लाए, परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना। हमारी महामहिम राज्यपाल सिर्फ उपदेश नहीं देती है, अपने आचरण से कर दिखाती है, और स्वयं ही नहीं करती है बल्कि पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी टीम खड़ी करती है जिसने शिक्षा को परिवर्तन ला दिया है। इसलिए वो कार्य जो परिवर्तन दे, नई दिशा दे दे, वह कार्य होता है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं लगभग 20 साल छोटा हूंगा इनसे, लेकिन कल मैं देखा सुबह से चली होंगी लखनऊ से और रात 9 बजे तक सतत कार्यक्रम में जुटना, चलना, दिशा देना, छोटी छोटी बात के महत्व को समझाना, मैराथन कार्य। और चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, जबकि मैं बैठा बैठा करवट ले रहा था, कभी इधर हो जाता था कभी उधर हो जाता था, यह सिखाया है इन्होंने। और पूरे प्रदेश में शिक्षा के कलेवर को बदल दिया। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जो सबसे बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था कहलाती थी देश की, आज सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ओर जा रहा है देश प्रदेश। अभी रजनी जी जिस नेक ग्रेडिंग की बात कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में है, जबकि पहले बिल्कुल नहीं थे। देश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं जो नेक रैंक के ग्रेडिंग में, 7 के करीब सरकारी विश्वविद्यालय A++, 5 के करीब A+। आपका विश्वविद्यालय भी आगामी 2-3 दिन में उस कसौटी पर कसने जा रही है, वो कसौटी आपको। और निश्चित रूप से जो मार्गदर्शन मिला है महामहिम का, A+ या A++ से ऊपर के आसपास ही कोई ग्रेडिंग मिलने वाला है, ये मैंने महसूस किया। UGC के ग्रेड 1 में उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय, पहले एक भी नहीं हुआ करता था। पूरे देश के 500वें नंबर पर भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था उत्तर प्रदेश का, आज 3 विश्वविद्यालय 100 से ऊपर की रेंज में है, यह दिया है
तो अपने चरण से दिशा देना पूरे समाज को, और एक परिवर्तन तय कर देना कि परिवर्तन कैसे होता है, वह हमें सिखाया है महामहिम ने। आपके विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी एक दिशा दी थी इस पूरे देश को। आप लोग अपने जीवन में प्रवेश करेंगे नए जीवन में, समरसतामय समाज में हमारी क्या भूमिका होगी यह भी हमको तय करना होगा, क्योंकि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। समतामय और ममतामय समाज की स्थापना कैसे हो यह भी हमको संकल्प लेना चाहिए। एक छोटी सी घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कल्याण सिंह जी के बीच में घटी थी, उससे बड़ी जल्दी आपको समझ में आएगा कि हम सब की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक बार मड़ौली गांव, जहां कल्याण सिंह जी का गांव है, वहां दीनदयाल जी आए थे। तब संसाधन इतने नहीं थे हमारी पार्टी के पास, तो उन्हें रात में ले जा रहे थे बस स्टैंड तक, तो लालटेन के लेकर चल रहे थे। अचानक दीनदयाल जी गड्ढे में चले गए, गिर गए। कल्याण सिंह जी ने उनको झुककर हाथ नीचे किया, उन्होंने अपने एड़ी के बल उठे, पंजों के बल आए, हाथ ऊपर किया, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, ऊपर ले आए और चलने लगे। घटना बहुत छोटी थी, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने कितना बड़ा संदेश उस दिन कल्याण सिंह जी को दिया। बोले, इस घटना से मतलब समझे तुम? बोले, क्या? कि जो कतिपय कारणों से समाज में नीचे रह गए, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शैक्षिक रूप से, चाहे अन्य कारणों से, उनको अपने पंजों पर खड़े ऊपर उठना पड़ेगा, एड़ियां उठानी पड़ेंगी, हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे ऊपर आने के लिए, और जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे झुकना होगा, हाथ उनको बढ़ाना होगा और उनको अपने बराबर फैलाना होगा। यह सामाजिक समरसता है। तो आप लोग अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय से निकले हैं, जिन्होंने सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया था, एक क्रांति की थी अपने विचारों से। हमें इस को अपने जहन में रखते हुए एक समाज में सामाजिक समरसता वाले काम करने चाहिए, ये मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं इस मंच से। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, जैसा अभी रजनी जी ने बताया। मेरे नेता ने जब इस देश को संभाला था तो देश की क्या दुर्दशा थी, कहना नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन आज विकासशील देशों की श्रेणी में भारत ऊपर आ चुका है, उछले पायदान पर आ चुका है। जब प्रधानमंत्री जी ने संभाला था इस देश को तो बहुत निचले पायदान पर था। आज पांचवी आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी हो चुकी है, जो वो हमसे पीछे हो गया जिसने कभी हम पर हुकूमत की थी, ब्रिटेन। ये उनके कार्यों का परिणाम है। अब वो कहते हैं कि विकसित भारत को बनाना होगा, 2047 तक विकसित राष्ट्रों में भारत खड़ा हो, ये उन्होंने विजन बनाया है। और वो विजन बनाते हैं, फिर उसे अपना मिशन बना लेते हैं, फिर पैशन से लगते हैं और परिवर्तन लाते हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे हम शिक्षक हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे समाज के किसी और अंग में हो, और आप जो कहीं कहीं जाएंगे इस डिग्री के बाद, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में आपका क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा होगी कि हम अपने राष्ट्र को विकसित भारत बना सके, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर सके, अपने नेता के सपनों को साकार कर सके। मैं पुनः आप सबको आपके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।